जन्म एक कच्ची परिवार में हुआ था, एक ऐसा परिवार जहाँ लड़कियां काम नहीं करती है। घर में मैं सबसे छोटी थी तो मुझे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थे, मेरे बड़े भाई बहन सब कुछ करते थे, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी बचपन में। घर में जब हम पढ़ाई करते होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो पड़ोसी अड़ोसी दुनिया सब आके क्या पूछती है, बड़े होके क्या बनोगे। मुझे भी लोग पूछते थे बड़े होके क्या बनोगे, मैं बोलती थी कार्डियक सर्जन बनूंगी, दिल का डॉक्टर बनूंगी। मुझे बचपन से एक चीज थी कि लोगों की जिंदगियां बचाऊं, कुछ अच्छे कर्म करूं, और उस चक्कर में मैं बनना चाहती थी कार्डियक सर्जन। पढ़ाई में अच्छी थी, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, पापा का बिजनेस था, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, लाइफ वॉज कंफर्टेबल। बट सीधी लाइन तो गड़बड़ है ना, जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है, और ऊपर वाले का ना एक कानून है, वो आपके हाथों से पहले कुछ लेता है और फिर बहुत बड़ा कुछ देता है। वो कानून समझना बड़ा जरूरी है। मेरे पापा का बिजनेस था, एक दिन पूरा बिजनेस खत्म, सारा बिजनेस खत्म, माइनस में चले गए, घर बिक गया, मम्मी के पास बहुत जेवर था, सब कुछ बिक गया और 17 लाख रुपए का कर्जा बच गया था। अपने घर से भाड़े के घर में पहुंच गए, उस भाड़े के घर में रहते रहते पापा एक चीज रोज समझाते थे कि बेटा जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, बट अगर परिवार एक साथ रहेगा तो कभी भी जीवन में आगे बढ़ेगा, तो एक साथ रहना बहुत जरूरी है। ये मैसेज मुझे मेरे फादर ने सिखाया था और जिंदगी बदल गई। हम दिन काटने लगे, तकलीफें थी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा 10th हो गया, मेरा 12th हो गया। 12th जब मेरा खत्म हुआ, मेरा पीसीबी स्कोर था 93%। मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। वैसे दिन कटते गए कटते गए कटते गए, एग्जाम करीब आई। अब आप में कोई मेरे जैसा ब्रिलियंट है कि एग्जाम करीब आती है तो किताब खरीदने निकल पड़ते हैं, है ना? यानी है, मेरे जैसे लोग इस दुनिया में है, यानी आप यहां आ सकते हैं। अब मैं पहुंची किताब खरीदने, मैं जब किताब खरीदने गई, मैंने पर्स ढूंढने की कोशिश करी, मेरे बैग में पर्स हो गया था चोरी। ऊपर वाला ना पहले तो खाली करता है, फिर कुछ बढ़ा देता है, तो पर्स नहीं। अब मैं खड़ी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, किताब मैं ले नहीं सकती हूँ, 10 मिनट बुक स्टॉल पे कट गए। फिर अपने आप से बातें करी, जिंदगी में पहली और आखिरी बार अपने फादर की फ्रॉड सिग्नेचर करी, अपना लिविंग सर्टिफिकेट लिया और घर चली गई। बोले भाड़ में गया, कुछ नहीं करना है आज के बाद अपने को, घर चली गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा क्रेज पढ़ाई को मैं छोड़ के घर चली गई थी, और मेरा एक साल बाद में ऐसे ही रोने धोने में कट गया। फिर एक दिन अचानक खुद को बोला, चल ना कोई तो डिग्री ले लेते हैं। तब मैंने सुना था, मैं साइंस स्टूडेंट थी ना, बहुत पढ़ाई करती थी, तब मैंने सुना था कि कॉमर्स में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, तो थोड़ा सेटिंग लगाया। आप समझते हो सेटिंग, साइंस से कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। अब कॉमर्स में तो यूं ही पढ़ना नहीं होता है, कॉलेज के बाहर कट्टे तो हर जगह होते हैं, और वही वापस काम शुरू। अब मैं बाहर बैठती थी, टाइम पास, मस्ती मजाक, यही मेरी जिंदगी थी। एक दिन अचानक एक आंटी आती है और मेरे कंधे पे टैप करके कहती है, ए बेटा तुझे काइनेटिक खरीदनी है? जिसकी जेब में 3 रुपया बस का ना हो, उसके लिए तो काइनेटिक भी मर्सिडीज से बड़ी थी तब। तो मैंने कहा, हाँ आंटी, हाँ बताओ आंटी, तरीका बताओ। आंटी ने निकाला पेपर, आंटी ने बनाए गोले, ले बेटा ये तू, बेटा ये तेरे नीचे तेरा दोस्त, बेटा ये तेरा भाई, ये तेरा अंकल, ऐसे करके उसने आखा पेज गोले 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 भर दिए, और कहा बेटा ये सब प्रोडक्ट खरीदेंगे, तेरे घर में पैसा आएगा। दिखने में तो सब अच्छा लगा, तब तो नेटवर्क मार्केटिंग आया ही था भारत में। तो मैं बोली, आंटी आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं, खाली पैसा मत मांगना। बोली, किडनी बोलोगे तो एक निकाल के दे सकती हूँ, बट पैसा मत मांगना क्योंकि वो अपने पास नहीं है। आंटी ने मुझे बोला, चल बेटा तू रोज लोग मिलवा, मैं प्लान समझाऊंगी। अब आंटी रोज मुझे लेके घूमती थी, हम 15 लोगों को, 17 लोगों को, 20 लोगों को, जितने मिल जाए दुनिया में उतने को
प्रोडक्ट समझाते थे, प्लान समझाते थे, विदेशी कंपनी थी, एक महीना कट गया, एक भी हाथ में फॉर्म नहीं, एक भी हाथ में ज्वाइनिंग नहीं। अब मैं ना बैठ के पूछने लगी ऊपर वाले से, भाई चाहते क्या हो आप मुझसे, न MBBS पढ़ने दिया, न BSc पढ़ने दी, न BCom करने दे रहे हो, और आइए आंटी पिक्चर में, तो अब करूं तो क्या करूं। तो ऐसे करके महीना कट गया। एक मेरी फ्रेंड ने फोन किया मुझे कि एतल तू जो कंपनी कर रही है वो बाहर की कंपनी है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ इंडियन ब्रांड, एक इंडियन कंपनी है, बहुत अच्छी है, लेट अस चेक इट आउट। उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मुझे वो कंपनी थोड़ी बहुत समझ में आई, उसमें पैसा थोड़ा कम लगाना था और मेरे पास पैसे की दिक्कत थी लाइफ में, और मैंने वो चीज़ समझने की केवल कोशिश करी, और उस कंपनी में मेरी फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग का पैसा था 1250 रुपया। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, एज अ स्टूडेंट मेरे पास 1250 नहीं थे, बट मेरे पास अमीर दोस्त थे, और उधार लेना तो बहुत बोलते ना अच्छी बात होती है, लोग लोन के नाम पे लेते हैं, हजार हजार करोड़ लेते हैं, मैंने कहा चलो अपन 1250 ही ले लेते हैं किसी से। तो ऐसे करके 1250 एक दोस्त से उधार लिए और ज्वाइनिंग करी और काम करना शुरू कर दिया। अपने दोस्त को एक प्रॉमिस करी थी कि मैं ये 1250 रुपए तुझे एक महीने में लौटा के दे दूंगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग नया, उम्र छोटी, बातें ज्यादा समझ में आई नहीं थी, दो प्रोडक्ट समझ में आए था, एक था डिटर्जेंट जो हर घर में यूज होता है और दूसरा था कार का शैम्पू। अब किसी के घर में कार होती थी, किसी के घर में नहीं होती थी, तो स्कूटर होते थे, बाइक होती थी, साइकिल होती थी, और नहीं तो भैंसे होती थी। मैं ना क्या करती थी, जो मिले उसको दो प्रोडक्ट पकड़ा देती थी, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई थी कि ये बेचूंगी, इसमें से पैसा जमेगा तो 1250 लौटा के दे दूंगी। ऐसे कर करके पूरा महीना रिटेल का बिजनेस करके वो पैसे लौटा दिए। जवान के अपन तब भी पक्के थे और आज भी पक्के हैं, ठीक है। तो ऐसे करके शुरुआत हो गई, बहुत मेहनत करी, रात को 2 बजे तक प्लान, सुबह बोलते ना कभी 5 बजे तक प्लान, चालू पूरा दिन। एक ही चीज समझ में आई थी, पढ़ाई तो अब करनी नहीं थी क्योंकि मेरा दिलचस्पी खत्म हो गया था, मुझे कॉमर्स पढ़ना नहीं था। तो गोले बनाओ, बिजनेस सिखाओ, बिजनेस बताओ, लोगों को जोड़ो। स्टूडेंट एज में जब काम चालू करते हो ना तो एक दिक्कत होती है, बड़े बहुत डायलॉग मारते हैं। अब जो आज बड़े हैं मेरी तरह उम्र में, वो बुरा ना माने, बट एक डायलॉग पेटेंट आता था, तेरे से ज्यादा दिवाली तो हमने देखी, अब तू बताएगी हमें बिजनेस करना, अब तू सिखाएगी हमें पैसे कमाना, तो हमने किया क्या। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं भाई, दूसरे को ढूंढ लेते हैं, पंगा नहीं करेंगे कहीं पे भी। तो ऐसे कर करके बिजनेस डेवलप किया। टफ था, आसान नहीं था, पैसे नहीं होते थे, ट्रेनिंग्स में जाने को पैसे नहीं, ट्रैवल करने को पैसे नहीं, रिटेल करो घूमो, रिटेल करो प्लान दिखाओ, रिटेल करो बोलते ना टिकट खर्चा करो, ये सब करते करते वो कंपनी में बहुत अच्छे से मेरी ग्रोथ होने लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, चेक बढ़ने लग गया। स्टूडेंट होते होते ऑल ओवर इंडिया एज अ स्पीकर ट्रैवल करना शुरू कर दिया, इस बिजनेस से फॉरेन ट्रिप्स लेना शुरू कर दी। पहली फॉरेन ट्रिप जब गई थी ना तो 3 फॉरेन ट्रिप का क्वालिफिकेशन डन हो चुका था, वो स्पीड थी तब मेरी। अब क्या हुआ, लड़की की जात है, पैसा कमा रही है, बाहर घूम रही है, तो दुनिया तो देखेगी ना। तो अभी ना लोग पिताजी को मिलने आ जाते थे और आके क्या बोलते थे, भाई ध्यान रखना, बेटी है, बड़ी हो रही है, पैसा कमा रही है, बहुत बाहर घूम रही है, हाथ से ना निकल जाए। होता है ऐसा, तो हाथ से ना निकल जाए उसके लिए क्या होता है, हमारे देश में शादी करा दी जाती है, अपनी भी करा दी। अब मैं लाइफ बताऊं आपको, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में मजा आ रहा था, पैसा आ रहा था, दिन में 20-25 हजार खर्च हो रहे थे, पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही थी, पहले डर लगता था, पहले ऐसे कोई ना कोई जगह ढूंढती थी इसके पीछे मैं मीटिंग करने खड़ी होती थी ताकि हिलती हुई टांगे लोगों को ना दिखाई दे, तो वो सब था पंगा। अब उसमें हो गई शादी, अब शादी के पहले मेरी लाइफ कैसी थी, मैंने बताया मैं बिगड़ी हुई औलाद थी माँ बाप की, मैं फोन करती थी मम्मा घर आ रही हूँ जरा रोटी सेक देना, बहुत भूख लगी है मेरी जैसी बिगड़ी हुई, तो मम्मी
मम्मी बेचारी गरम रोटी तवे की सेक सेक के खिलाती थी और बाद में बोलते ना सिचुएशन चेंज हो गई, अब मैं घर में जाके कपड़े भी यहाँ वहाँ फेंको, जूते यहाँ फेंको, मोजे वहाँ फेंको, बैग यहाँ फेंको, सब चलता था। कौन समेटता था ये सारा? माँ। माँ शब्द की कीमत बहुत बाद में समझ में आती हम लड़कियों को खास। तो ऐसे करके जीवन कट रहा था। अब हम घर में, अब हमें फोन आता है, रोटी सेक दो भाई, ठीक है। उसके बाद सब घर में अपने हिसाब से रहते थे, सब चीजें बोलते ना यहां वहां करते थे और मैं बैठ के बिचारी समेटती थी। जीवन पूरा चेंज रातों रात, ओवरनाइट। लड़कियों की लाइफ शायद ऐसी होती है, हाँ या ना तो बोलो। शादी सबसे इतने दुखी क्यों हो गए सारे के सारे? ऐसे कोई इतना दुख मनाने वाला नहीं है, टेंशन ना लो। अब जीवन चेंज। अब एक चीज थी, पहले रात को 2 बजे भी फोन कर सकते थे, अब था कि नहीं भाई रात को 10 बजे के बाद कोई तुम्हें फोन नहीं करेगा, तुम किसी को फोन नहीं करोगे। अब हमारा तो दिन ही खुलता था रात के 10 बजे। तो बोलते ना थोड़ा मैंने अपने बायोलॉजिकल क्लॉक और अपने घर की दीवार की घड़ियाल को मैच करा और जिंदगी थोड़ी रूटीन में लाई। सुबह घर के काम, शाम को घर के काम, बीच में अपना बिजनेस। शादी के बाद प्रेगनेंसी, मुझे लगता था प्रेगनेंसी में काम कर दूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में तो हमने बहुत बार बोला था ना कि नहीं भी काम करोगे तो पैसा आएगा। 70-80 हजार के चेक चल रहे थे, जैसे बिजनेस में पांव रखना कम किया चेक गिरने लग गए। प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने पे वो चेक 15-20 हजार का हो चुका था, यानी डिप। अब प्रायोरिटी क्या थी मेरे जीवन की? तब ऑफ कोर्स मेरा बेटा, ठीक है, तो मैंने अपने आप पे ध्यान दिया, काम छोड़ दिया। मैनेजमेंट में थोड़े पंगे एज इट इज हो रहे थे वो कंपनी में, तो मेरा ध्यान ऐसे ही काम में से हट रहा था और मैं अपने आप पे ध्यान देने लग गई। एक लड़की जब पहली बार माँ बनती है ना तो उसकी थ्रिल अलग होती है और वो खुश होती है क्योंकि उसके घर एक नन्ना मेहमान आने वाला था। मैं भी हैप्पी थी, मेरा पूरा परिवार हैप्पी था और 9 महीने मेरे कट गए और मेरे बेटे का जन्म हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी। बेटे को मैं हॉस्पिटल से घर ले आई, दिन अच्छे चल रहे थे, सब कुछ फर्स्ट क्लास था, जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। 10वां दिन था बेटे के जन्म के बाद का, मैं उसके साथ खेल रही थी, मैं उसकी आंखों में जब देखने लगी तो मुझे एक आंख में ओपेसिटी नजर आई और वो ओपेसिटी जो मुझे नजर आई वो मुझे ठीक नहीं लगी। मैं उठा के भागी मेरा बच्चा डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोला कि ये है क्या, तो डॉक्टर ने कहा ये 8-10 दिन में 15 दिन में गल जाएगा, आप इसकी चिंता मत करो, आप घर जाओ। मुझे वो यकीन नहीं हुआ, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि ये कुछ मेजर गड़बड़ है। मैं उठाई अपना बच्चा, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, दूसरे दिन की शाम होते होते 9 टॉप डॉक्टर्स की फाइलें मेरे हाथ में थी और एक बात मुझे पता चली थी कि ये एक कैटरैक्ट है जो इसको पेट के अंदर हो चुका है। अब मेरी बोलते ना हालत खराब होने लगी थी क्योंकि मुझे समझ में आने लगा था कि कुछ तो दिक्कत है मेरे जीवन में जो बहुत बड़ी हो चुकी है। अब मैं ढूंढने लगी है क्या, है क्या, है क्या। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो रिसर्च में काम करती थी, डॉक्टर थी, उसने मुझे अपने घर बुलाया, बुला के बिठा के एक ग्लास पानी पिला के बोली कि हेतल तैयार रहना, तेरी दौड़ लंबी चलेगी, ये कोई छोटा मामला नहीं है, मुझे डाउट है ये रूबेला है। मैंने कहा रूबेला क्या होता है? तो कहती है रूबेला एक वायरस होता है जो पेट के अंदर बच्चे को इन्फेक्ट कर जाता है। रूबेला से बच्चे का ब्रेन, रूबेला से बच्चे का हार्ट, रूबेला से बच्चे के कान और बच्चे की आंखें इंपैक्ट हो सकती हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कि हुआ क्या है। तो ऐसे ही चेकिंग चालू हो गई। 10 दिन का मेरा बेटा, मैं उसको सुबह लेके निकलती थी और पूरा दिन डायग्नोसिस चलता था। नर्सें उसको, सिस्टर्स उसको लेकर जाती थी और बोलते ना अंदर लेकर जाती थी, 5 ml खून, 10 ml खून निकाल लेती थी और वो 10 ml खून निकालने के बाद जब मेरा बच्चा रोता था, मेरी आंखों में आंसू आते थे, वो मुझे कहते थे आप बाहर हो जाओ, मैं अपना बच्चा खुद, मैं आपका बच्चा लाके दे दूंगी बाहर, हमारा काम होने दो पहले। मैं बहुत बोलते ना अपसेट होने लगी कि क्या काम कर रहे हो यार, ये इतना सा बच्चा है आप इसका खून निकाल रहे हो, ये रो रहा है, ये परेशान हो रहा है। ऐसे करके मेरी दौड़ शुरू हुई। 2 महीने का बेटा हुआ तब तक 2D को MRI, सिटी स्कैन, टॉर्च टेस्ट, जितने भी टेस्ट इस दुनिया में है वो बच्चे पे हो चुके थे और पता चला था कि इसको कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट की सर्जरी करना जरूरी है। अच्छा सर्जरी
सर्जरी करना जरूरी नहीं है, अब बात ये आई थी कि ये सर्जरी होगी लाइव, नो एनेस्थेशिया, नथिंग। ये बच्चा जागा रहेगा और उसमें उसके आंखों पे वो प्रोसीजर होगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी, 8 to 9 एडल्ट्स, बड़े बड़े लोग उस बच्चे को मेरे पकड़ते थे और कहते बोलते ना कड़क होके पकड़ते थे और उसकी आंखों में मैं प्रोसेस होता था। उसकी पहली लाइफ सर्जरी हुई, उसकी दूसरी लाइफ सर्जरी हुई, 8-8 लोग उसको पकड़ते थे, वो रोता था, वो तकता था, मैं पूरी पूरी रात उसको बाद में गोद में लेके, वो रोता था, मैं रोती थी और ऊपर वाले को कहती थी क्यों दिया, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बच्चा, नहीं चाहिए इतना दर्द इसके जीवन में, क्यों दिया ये बच्चा। मैं जी लेती, मैं सुन लेती, मैं पूरी जिंदगी सुन लेती कि मेरे पेट से एक औलाद ना हुई, बट वाई सो मच ऑफ पेन टू दिस लिटिल चाइल्ड, ये मेरी जिंदगी थी। फ्रेंड्स, मैं उस समय पे हंसते खेल के जीने वालों में से थी, बट उस समय मेरी जिंदगी ये थी कि 7:45 मैं डॉक्टरों के केबिन में घुसती थी और शाम को 4 तक मैं ना वॉशरूम जा सकती थी, ना पानी पी सकती थी, मेरा एक ही काम था इलाज इलाज इलाज। पहली सर्जरी, दूसरी सर्जरी, तीसरी सर्जरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 5 की उम्र के अंदर 7 सर्जरीज एंड आई वॉज अ हेल्पलेस मदर। काली इतना पूछती थी ऊपर वाले से, क्यों किया इसके साथ ऐसा तूने, और इस चक्कर में अब ये दिन आया था कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। फ्रेंड्स, एक जिंदगी का मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि जब आप लाइफ में एक बुरे दौर से गुजरते हो, तब ना पीछे का साया भी कभी साथ जोड़ के निकल जाता है, ना आपको इसका होश नहीं होता है। 7 सर्जरी, अकेले हाथों से एडमिट, अकेले हाथों से डिस्चार्ज, और खाने तक को पैसे नहीं। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में मैं खड़ी थी, वो जिंदगी का मेरा बेस्ट डे था, उस दिन ने मेरी जिंदगी को चेंज किया। हिंदुजा हॉस्पिटल में खड़ी थी और बोलते ना 20 घंटे मुझे अपने बच्चे को फास्टिंग रखना था, उपवास पे रखना था, पानी तक नहीं देना था, मुझ में हिम्मत नहीं थी। 20 घंटा मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी, मैं कुछ खाना चाह रही थी ताकि मैं उसको संभाल सकूं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, उस दिन 25 रुपए का वड़ा पाव, उस कैंटीन का मेरी जेब में पैसा नहीं था, उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि जीवन बदलेगा, इस औलाद जो जूने जन्म दिया है उसका जीवन बदलेगा, यू विल बिकम द बेस्ट मदर इन दिस वर्ल्ड, एंड आई डिड बिकम वन। एशिया के नंबर 1 डॉक्टर ने लिख के दिया था ये वेजिटेबल बनेगा, ये जीवन में कभी चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं। 1.5 के अंदर उस डॉक्टर की केबिन में पैदल चला के लेके गई और बोली थैंक यू बॉस, तू लिखता नहीं तो मैं चला के लाती नहीं, तेरा लाख लाख धन्यवाद। एक दिन मुझे एक फोन आया, किसका होगा, बाली सर का फोन था। वो तालियां तो भारत की नंबर 1 कंपनी के मालिक के लिए जोरदार बजनी चाहिए। बाली सर का फोन आया, बोले बेटा बॉम्बे आ रहा हूं मिल लेना। मैंने कहा सर मिलूंगी, लेकिन आपकी कंपनी करूंगी नहीं करूंगी मुझे पता नहीं है, हालात बदल चुके हैं सर, पहले वाले हालात नहीं रहे हैं। सर ने कहा कोई बात नहीं, मुझे सब पता है, तुम आना। मैं बहुत बोलते ना सर को रिस्पेक्ट करती हूँ, तब भी आज भी मैं मिलने चली गई सर को। जब मैं सर को मिलने गई, सर ने अपने हाथों से प्लान दिखाया, सब कुछ समझाया, स्पाइरुलिना नोनी भी समझाया और कहा बेटे को देना। इंसान कमजोर होता है ना तो एक जवाब देता है, सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। मैंने भी वो कमजोरों वाला जवाब दे दिया कि सर अभी नहीं, मैं घर में पूछती हूँ, सोचती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। कुछ लिटरेचर हो ना सर तो भिजवा दीजिएगा, मैं समझ लूंगी, ये मेरा डायलॉग था, मैं घर चली गई। आप सबने एक मूवी देखी है माय फ्रेंड गणेशा, मैंने भी देखी थी, चलते फिरते देखी थी, पूरी नहीं देखी थी। देखा था कि गणपति बप्पा आते हैं ना तो घर में सब प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। अब मैं सोच रही थी कि बप्पा मेरे घर भी आ जा, मेरे भी प्रॉब्लम्स खत्म कर दे, कुछ मेरे बच्चे को राहत दे दे। तब ना उस साल
बाली सर ने एक एनवलप भेजा जिसमें सीडीज और सब कुछ थी। वो एनवलप आया, घर में गया और उस साल मैं गणपति बप्पा को घर ले आई। गणपति बप्पा घर आए, पैसा नहीं था बप्पा को लाने के लिए, पैसा नहीं था प्रसाद बनाने के लिए। जो औरतें यहाँ वहाँ छुपा के रखती है ना पैसा, उन पैसों से सारा तामझाम निपटा, प्रसाद किया, बप्पा को डेढ़ दिन घर में रखा और बप्पा को खुशी खुशी विसर्जित किया। महाराष्ट्र में गणपति का ट्रेंड बहुत हाई है। बहुत खुश थी मैं कि अब बप्पा आके गए तो जीवन में जरूर कुछ परिवर्तन आएगा। दो दिन की नौकरी के बाद इंसान कैसे भागता है नौकरी पे, दो दिन की छुट्टी के बाद कैसे भागता है, पागलों की तरह ना, क्योंकि दो दिन छुट्टी देके बॉस ने तो एहसान किया होता है। मैं भाग रही थी जॉब पे और एक फोन बार बार बज रहा था। देखो ऊपर वाला कैसे आपके साथ जो देना चाहता है वो कैसे देता है। एक फोन बज रहा था, मैंने उठाया नहीं, मैंने कहा पहले हाजिरी लगाऊं फिर आगे का काम। अब तब क्या हुआ, एक मैसेज मुझे आया और वो मैसेज में लिखा हुआ था कि हेतल मुझे तेरे साथ वेस्टीज ज्वाइन करना है। अब मैंने कहा कैसे लोगों को खबरें लग जाती, हमने तो अभी तक कहीं अनाउंस भी नहीं किया। तो मैंने फोन लगाया, बोली कौन बोल रहा है भाई, तो बोले हेतल मैं गौतम बोल रहा हूँ राजकोट से, मेरे एक बहुत पुराने लीडर हैं, उम्र में बहुत सीनियर हैं। तो मैंने कहा अरे गौतम भाई कितने फोन नंबर बदली करते हो, तो बोले क्या करूं बेटा, कंपनी बदलता हूं ना तो नंबर भी बदलना पड़ता है। तो मैंने कहा अब तो सुधर जाओ, तो बोले बस उसके लिए तेरे को ढूंढा है, ये आखिरी है और वो तेरे साथ करूंगा। मैंने कहा प्लान देखा वेस्टीज का, कहते हाँ देखा। मैंने कहा कौन आया, कौन दिखाया आपको प्लान, कहते एक बरेली से लीडर आए थे। कौन आया होगा, बोले बरेली से विवेक सक्सेना सर आए थे, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। तो मैंने कहा कर लो उनके साथ ज्वाइन, बोले नहीं मैं उनको बोल चुका हूं मैं करूंगा तो हेतल के साथ करूंगा। मैंने कहा इतना प्यार क्यों आ रहा है गौतम भाई, वो तो बता दो। तो बोले हेतल पहली कंपनी तेरे साथ करी, बीच में 10 करी, अब ये आखिरी है, तेरे साथ करूंगा। इन 10 सालों में तेरे जैसी लीडरशिप मैंने कहीं नहीं देखी, तो तू ही मेरी लास्ट चॉइस है अब यहां। बोलते ना ऐसे मन में मेरे लड्डू फूटने लगे, मैं खुश होने लगी कि हेतल शायद तेरे दिन बदलेंगे, जा सिमरन जीले अपनी जिंदगी। मैंने ना क्या किया पता है, उस दिन वो फोन रख के फोन किया बाली सर को, बोली सर आज रेजिग्नेशन जाएगा, 15 दिन में अपन काम पे आएगा शुरू। अब खुशी खुशी जिंदगी की एक इनिंग्स और खेलना शुरू करी, जॉब रिजाइन कर दिया, 15 दिन वहाँ ख़त्म किया सब मामला और लग गई काम पे। पार्ट टाइम वेस्टीज तब भी करती थी, आज भी करती हूँ पार्ट टाइम। मुझे शुरू में लोग कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम नहीं होता, मैंने कहा एक माँ है ना उसके पास जिम्मेदारी है, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट टाइम शुरू किया जब बच्चा स्कूल जाता था, डे केयर जाता था, या उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, तब मैं बैठ के अपना काम करना शुरू करी। सबसे पहला काम मैंने अपने आप को जीरोलाइज किया। पहली कंपनी में 10 साल काम कर लिया था, 16,000 से ज़्यादा लोगों की टीम थी, पैसा भी कमा लिया था, गाड़ी भी खरीद ली थी, पूरे इंडिया में ट्रैवल भी करती थी, तो थोड़ा तो दिमाग में आ जाता है ना कि हाँ मैं बोले तो कौन। तो वो बोली पहले उतारो सब, सब उतार के बेसिक ट्रेनिंग शुरू करी। VIP नाम की ट्रेनिंग होती है, VIP अटेंड करना शुरू करी। तब बाली सर खुद किया करते थे, पहली VIP मुंबई में करी, 220 रुपया टिकट, खाना भी मिलता है, लिटरेचर भी मिलता है। अभी 250 रुपीज टिकट, खाना भी मिलता है, लिटरेचर भी मिलता है। तो पहली बॉम्बे में अटेंड करी, सेकंड पूना में अटेंड करी। पूना यानी 3-4 घंटे लग जाते जाने को और आने को 3-4 घंटे। सेकंड वाली ना वो एक पता है स्कॉर्पियो नाम की गाड़ी आती है, उसमें ठूंस के 10 आदमी बैठाए जाते हैं। हाँ तो वैसे 10 आदमी बैठा के मैं चली गई थी पूना कि चल भाई चल सब चलो, जो मैं करूँ वो टीम को तो करना ही पड़ेगा। तो VIP अटेंड करी, वापस आए। VIP अटेंड करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था VIP को इम्प्लीमेंट करना फील्ड पे, तो वो मैंने करना शुरू किया। अब तीसरी VIP हो रही थी राजकोट में, 14 घंटे लगते बाय ट्रेन। अब ये सिमरन को ना रात रुकने की आज़ादी नहीं थी तब भी, और आज भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत मिल रही है, तो क्या करें, ट्रेन में 14 घंटे लगते हैं, फ्लाइट में 1 ही घंटा लगता है। तो वो VIP मेरी 10,220 रुपए की हुई थी। जो 220 भरता है ना वो उतना ही निकालता है, अपुन ने तो 10,220 भरे थे, तो अपुन ने वैसे निकाला उसमें से।
एक मान्यता है लोगों की, एक सोच है कि कमाएंगे ना तब पैसा लगाएंगे। मेरी ये सोच है आज लगा लेते हैं कल जीवर कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी राजकोट, चौथी सूरत, चार घंटे की दूरी विदाउट टिकट, मीन्स बोलते हैं ना विदाउट प्रॉपर सिटिंग रिजर्वेशन, जाओ शाम को वापस आओ, पूरा दिन ट्रेनिंग करो, घर आने के बाद इम्प्लीमेंट करो। एक एक चीज फील्ड पे उतारना शुरू करी। पांचवी वीआईपी अगेन बॉम्बे में हुई, सात वीआईपी करी, सात वीआईपी खत्म होते होते मैं डायमंड बनके मल्टीपल लेग से एलओबी ले रही थी इस बिजनेस में। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला काम किया कर्जे चुका दिए। फ्रेंड्स मेरे पास 20,000 रुपए तक के लोन्स थे। मीन्स बोलते हैं ना वो LIC की पॉलिसी ना, आज भी मैंने संभाल के लेमिनेट करके रखी हुई है कि इंसान ये ना भूले कि वो किस स्थिति से यहाँ तक पहुँचा है, और वो आज भी मेरे पास मेमोरी है। मैंने पहली गाड़ी खरीदी वैगनार CNG फिटेड, क्योंकि अभी अभी बोलते ना सब पंगों से बाहर आ रही थी ना जीवन में, तो गाड़ी खरीदी वैगनार। इसलिए खरीदी कि परवड़े, तकलीफ ना हो, और नहीं परवड़े तो टेंशन नहीं, ड्राइवर का खर्चा भी निकालना है, तो वो सब चल रहा था। प्रॉपर्टियां खरीदी, मुंबई में दो प्रॉपर्टियां खरीदी, और बोलते ना बहुत मुझे खुशी होती थी कि हाँ भाई हम कुछ बना रहे हैं अपने कल के लिए। अब टीम अच्छी चलने लगी थी, टीम में ट्रेनिंग्स हो रही थी, प्रोडक्ट यूज हो रहे थे, सिस्टम बड़ी अच्छी सेट थी, सब कुछ अच्छा था। जीवन में एक चीज़ मुझे चाहिए थी, मैं एक चीज़ चाहती थी कि मेरा जो बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है, जो मैंने बताया ना कि इतनी सर्जरी, इतने दर्द से गुजरा है, उसने कभी अपना बचपन नहीं जिया, मैंने कभी उसका बचपन नहीं जिया, तो मैं सोचती थी कि इस बच्चे के साथ एक भाई या बहन जरूर हो जिसके हिसाब से ये अपनी जिंदगी को जी सकेगा आगे चल के। अब दिक्कत ये थी, उम्र बढ़ते जा रही थी, और डॉक्टर्स का कहना ये था कि आप अगर प्रेग्नेंट रहो तो 9 महीने आपको बुखार नहीं आना चाहिए, 9 महीने आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ही चीज़ें ठीक रहेंगी, नहीं तो पंगा पड़ेगा। एट द एज ऑफ 37 आई वॉज प्रेग्नेंट। मुझे बहुत डर था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने लगभग 5 साल वेस्टीज के सप्लीमेंट खाए थे। कोई ऊपर वाला भी आके सिग्नेचर नहीं कर सकता कि एक औरत 9 महीने बीमार नहीं पड़ सकती है, बट बाली सर ने बहुत सारी सिग्नेचर करी थी। उस प्रोडक्ट पे मुझे विश्वास था जो मैंने पिछले 5 साल से खाया था। आई कंटिन्यूड विथ माई प्रेगनेंसी। अगर आप में से किसी को प्रोडक्ट खाने को डर लगता है तो मैं आपके सामने उदाहरण खड़ी हूँ। मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वेस्टीज के सप्लीमेंट खाई हूँ। तीसरे महीने से मेरी शक्कर बंद थी, 7वें महीने से मेरा नमक बंद था, मैं खाना नहीं खा पाती थी, मैं सप्लीमेंट खा के जिंदा थी। एट द एज ऑफ 38 आई डिलीवर्ड माई बेबी। अब एक चीज, एक औरत की लाइफ में ना ये सारे फेजेस बहुत टफ होते हैं, और इन फेजेस से बाहर आना या इन फेजेस में बिजनेस को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो उस वक्त मैंने क्या किया, जो 8 महीने मेरे हाथ में थे ना, मैं एक ही काम करती थी, 60-70 लोगों को घर में बुला लेती थी, खाना पीना खिलाती थी, चाय कॉफी पिलाती थी, और जोड़ी बना देती थी कि ये दो जन जोड़ी है, ये भाई साहब इनको प्रोडक्ट समझाएंगे, फिर ये भाई साहब इनको प्रोडक्ट समझाएंगे, फिर ये इनको प्लान समझाएंगे, फिर ये इनको प्लान समझाएंगे, पूरा दिन ये दोनों प्रैक्टिस करेंगे, शाम को ये स्टेज पे आके बोलेंगे। अगर ये शाम को स्टेज पे आके बोल गए तो इनकी छुट्टी, अगर ये नहीं बोल पाए चलो कल वापस। 8 महीने केवल एक काम किया, अपने लोगों को ट्रेन किया, सिस्टम में लाया, उनको एक ही चीज समझाई कि आपको मुझे 1.5 साल देना होगा, 1.5 साल में आपके साथ काम नहीं करूंगी, बट आपको काम करना होगा, आपकी चेक्स ग्रो करने होंगे। 400 ऐसे लोग थे जो इस ट्रेनिंग से गुजर गए, और मैं आपको मैजिक बताती हूँ मेरे जीवन में जो हुआ। 2.25 साल की टोटल छुट्टी थी मेरी, 2.25 साल की, और ये 2.25 साल हर महीने की 12 तारीख को मुझे 1 लाख से ज्यादा की रकम मेरे घर पे आ रही थी। इसलिए करनी है वेस्टीज। 2.25 साल शायद कहीं और होना तो 2.25 साल के बाद कंपनी के शटर भी नहीं दिखेंगे, बट यहाँ पे मुझे पैसा आ रहा था। मैं बाली सर को कहती थी फोन करके कि सर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप फिर भी पैसा भेज रहे हो। कहते थे मैं पैसा नहीं भेज रहा हूँ, ये आपका हार्ड वर्क है जो आपने पहले किया है, इसके लिए आपको पैसा आ रहा है। दिस इज योर पैसिव इनकम विच यू हैव राइटफुली अर्नड इन योर लाइफ। जिंदगी बहुत अच्छी कटी ये 9 महीने, घर वालों ने जितना संभाला उतना ही टीम ने मुझे संभाला।
बहुत डिफिकल्ट स्टेट होता है लेडीज़ की लाइफ में। टीम ने बहुत संभाला, बाहर का खाना नहीं खाती थी, अपने घरों से लोग ला के खिलाते थे, नमक नहीं, शक्कर नहीं, वैसे जूस ला ला के रखते थे। एक ट्रेनिंग हो रही थी, मैं आपको कंपनी के जो मालिक है ना उनकी सोच बताना चाहूँगी। एक ट्रेनिंग हो रही थी, स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट का लॉन्च हो रहा था, 5-star प्रॉपर्टी में वो लॉन्च था, होटल सी प्रिंसेस मुंबई। मैं जब बैठी हुई थी ना तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, मेरा 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी था, जब मैं बैठी हुई थी मैं बहुत डिसकंफर्ट में थी, तो मैं बार बार खड़े होके पीछे जा रही थी और पीछे खड़े रह रही थी। बाली सर का ध्यान गया था मुझ पर, आके मुझे पूछे कि हेतल क्या हो रहा है, आप क्यों इतने डिसकंफर्ट में हो। मैंने कहा सर ये जो सोफा है ना बहुत लो है, मुझे जम नहीं रहा है। 5 मिनट के अंदर उस होटल में जितने सोफे जितनी कुर्सियां थी, बाली सर ने लाइन लगवा दी, बोली चेक कर लो, जिस पे जमता है उस पे बैठ लो। ये है इस कंपनी के मालिक की सोच कि वो अपने हर बंदे का ऐसे ख्याल रखते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, 9 महीने कट गए, उसके बाद जो गुड़िया जन्म ली ना वो बेटी नहीं है, वो एटम बॉम्ब है, क्योंकि वो स्पाइरुलिना फ्लेक्स खा के पैदा हुई है। 8वें महीने पे सीढ़ी चढ़ जाती थी, 4 भाषा ऑलरेडी बोलती है, फुटबॉल खेलती है, इतनी धमाल है कि जिसकी सीमा नहीं। कई बार टीम में आती है ना तो लोग मुझे कहते हैं कि मैम हम इसको संभालेंगे, मैंने कहा आप नहीं चुनाव करोगे, ये चुनाव करेगी कि ये किसके साथ रहेगी। और वो जिसके साथ रहती है शाम को 6 स्पाइरुलिना उसको देनी पड़ती है कि भाई ले खा ले, जिंदा हो जा वापस। पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, अभी भी सप्लीमेंट दोनों बच्चे खाते हैं, अपने आप से लेके खाते हैं। मेरी गुड़िया तो ऐसे ही लेके खा के चली जाती है, पानी की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को डर लगता हो ना तो कभी मेरी बेटी को मिल लेना, सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर देगी, शी इज जस्ट 6 ईयर्स ओल्ड। जिंदगी ये है वेस्टीज के साथ। 1 लाख रुपए के लिए पढ़ाई छोड़ी थी ना मैंने, आज जूनियर सीनियर केजी की फीस 1.5 लाख रुपया भरती हूँ, चेक साइन करके देती हूँ ना, कसम से बहुत खुशी होती है। अच्छा लोग मुझे पूछते हैं ABCD तो पढ़ा रहे हो, क्यों 1.5-2 लाख रुपया खर्च करते हो, तो मैं जवाब ये देती हूँ कि बॉस ये ABCD पढ़ाने की कीमत नहीं है, ये एक अधूरे सपने को पूरे करने की कीमत चुकाई जा रही है, ये है इस बिजनेस की ताकत। अच्छा अब जब वेस्टीज करते हैं तो ये लकड़ी का पट्टा है या मजबूत प्लेटफॉर्म है? वेस्टीज एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, 15 साल से चल रही है। एक ऐसे टाइम पे वेस्टीज भारत में शुरू हुई थी जब नेटवर्क मार्केटिंग को भी इज्जत नहीं थी और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले को भी इज्जत नहीं थी, उस दौर पे वेस्टीज शुरू हुआ था। और जो बोलते ना एक बदनाम सी इंडस्ट्री थी ना उसको रिस्पेक्ट दिलाने का काम मिस्टर गौतम बाली सर ने किया हुआ है, दैट इज द पावर ऑफ वेस्टीज। अब ये मजबूत प्लेटफॉर्म है, 3 साल भाग सकते हैं या नहीं भाग सकते हैं? जिंदगी के 3 साल अगर यहां भागते हुए लगा दें, आज भी भागती हूं, हर संडे को 3 बजे उठती हूं, 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे घर से निकल जाती हूं, फ्लाइट होती है, कभी अपनी टीम कभी एज अ गेस्ट स्पीकर काम करती हूँ। पहले मकसद था बच्चे, पहले मकसद था 1 लाख रुपया, पहले मकसद था घर, पहले मकसद था गाड़ी, अब मकसद बदल चुके हैं, अब मकसद बदल चुके हैं। जिस कंपनी ने मेरी जीवन को पूरा चेंज किया, जिस बोलते ना कंपनी ने मेरे बच्चों के जीवन को पूरा चेंज किया, आज अगर मैं वहाँ जाके बात करती हूँ और कुछ लोगों के और लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है तो वही मेरे लिए अचीवमेंट है, इसके लिए कोई संडे घर में नहीं सोती हूँ। अब एक ना मेरे को आदत है वो भी बता दूं, मैं ना कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ती हूँ, ट्रेनिंग के लिए मैं दीवानी हूँ। क्यों? मैं मानती हूँ अगर सीखेंगे तो ही जीवन में कोई तरक्की आएगी। VLC कई बार बैठ चुकी हूँ, सक्सेस सेमिनार कोई मिस नहीं करती हूँ, CSS हो रहा है कोई मिस नहीं करती हूँ। अब एक मैं आपको टर्निंग पॉइंट और बताती हूँ, मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई, अब मैं वापस बाहर निकली फील्ड पे, मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि रोज 2 घंटे काम करना जब वो स्कूल चली जाए। जब वो 2 घंटे स्कूल जाती थी मैं रोज 1 प्लान करना शुरू कर दिया, जब वो दोपहर में सोती थी तब मैं ऐसी कोई भी मीटिंग हो रही है तो जाके बैठ जाती थी, वो उठने से पहले मैं घर भाग जाती थी, कभी मैं 3 घंटा पूरा नहीं बैठ पाती थी ना, 1-1.5 घंटा पीछे बैठती थी और घर चली जाती थी, बट मैं जाती थी। ये कमरा ना, ये कमरा ये मेरे लिए मोटिवेशन था,
और ध्यान रखना, एक मेरी बात समझ लीजिएगा, ये जो कमरा है ना, किसी दिन इस कमरे को आपकी जरूरत है। अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं, इस कमरे में आइए, शोर मचाइए। किसी दिन बाहर ना दुनिया ने आपको ठुकराया है, रिजेक्ट किया है, तब इस कमरे में आइएगा, ये कमरा आपको एनर्जी देगा और आप में यही जान भर देगा। इवेंट, ऐसा ही एक इवेंट हो रहा था, ऐसा ही एक इवेंट जब हो रहा था, मैं पीछे बैठी हुई थी, बेटी छोटी थी, घर से फोन आ सकता था, मैं पीछे बैठी हुई थी और स्पीकर बता रहे थे कि मुझे फोन आया कंपनी से, कन्वर सर से, कि मर्सिडीज लेनी है तो ले लो, कल कार बुक का आखिरी दिन है, शूट खत्म हो रहा है। और मैंने दूसरे दिन सुबह मर्सिडीज ले ली। स्पीकर कौन थे जानना चाहेंगे? आप ही के अपने विवेक सर थे। अब ना मैं ना ऐसे सर में ना ऐसे पकड़ के खुजाने लगी, मैंने कहा यार एक रात में मर्सिडीज का फैसला, इतना बड़ा फैसला, यानी स्टेबिलिटी तो है और ड्रीम था, इसके लिए वो चीज उनके पास आई। मैं उस मीटिंग को खत्म करके सीधा भाग गई मर्सिडीज के शोरूम में। मुझे अपनी वैगनार चेंज करनी थी, मेरी मानसिकता 12-15 लाख तक पहुंची हुई थी, उससे ज्यादा नहीं जा रही थी। बट वो इवेंट के बाद मैं सीधा चली गई मर्सिडीज के शोरूम में, उठाया कैटलॉग, उठाया ब्रोशर, ईएमआई समझा, लोन समझा, सारा लेके आ गई घर पे और 1.5 महीने के अंदर अपनी लाल परी अपने दरवाजे के बाहर। अब जीवन बदलने लगा, लाल परी आ गई, ये बैठ गए आप मर्सिडीज में। अब ना आप किसी को नहीं देखते हो, अब ना आप सिर्फ अपने आप में मशगूल होते हो और पूरी दुनिया ना ऐसे झुक झुक के देखती है कि साला अंदर कौन बैठा है। ये मेरे जीवन में होने लगा, चीजें बदलने लगी। वैगनार से मर्सिडीज, पैसा बड़ी बात नहीं थी, पैसा आ रहा था, मैं खुश थी, पैसे से जीवन बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन पैसे के अलावा मेरे पास समय था, मैं अपने बच्चों को समय दे पा रही थी, उनके साथ खेल पा रही थी, उनकी जरूरतों को समझ पा रही थी। जो बेटा मेरा, लोग बोलते थे चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, आज क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, पढ़ाई में अच्छा है, 80-90 मार्क लाता है, स्कूल में पहला आता है और घर पे ना अपनी माँ के लिए ना ट्रॉफियों की लाइन लगाता है, ये है इस बिजनेस की ताकत। मैं आपको बताना चाहूंगी अपनी सेकेंड इनिंग्स, अपने बेटी के बाद जब वापस काम पे लगी, मैंने एक चीज समझी कि अगर वेस्टीज मुझे घर में बैठ के पैसा देता है तो बाहर निकल के और कितना दे सकता है। लेट मी नाउ हिट द शो अगेन, मैंने काम करना शुरू किया। मेरे दिल में बहुत सारे डर थे फ्रेंड्स, जिसने अपने बच्चे को ना लाइफ कटते हुए देखा हो, जिसने बोलते ना एक एक पल आंसू बिताए हो, उसके लिए ना जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। मेरे अंदर बहुत सारे डर थे, बहुत सारे खौफ थे और वो खौफ मैंने दूर किए एसटीएम में जाके। एसटीएम, पहली एसटीएम बोलते ना मेरे को कोई लेकर गया ऐसे ही कि चल ना भाई, इतना सुन रहे हैं कि विवेक सर इतनी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं तो तुम भी चलो। मैं गई, मेरी टीम से 3 बंदे मेरे को उठा के लेकर गए। मैंने उनको बोला ये बच्चे कौन पालेगा उधर, तो मेरे को बोले कोई बात नहीं हम पालेंगे। बोली बहुत अच्छी टीम हो, उधर चल रहे हो पैसा खर्च करके, मेरे बच्चे पालने तुम। तो वैसे करके वो मुझे लेके गए, बच्चे भी पल गए, एसटीएम भी हो गई। पहली एसटीएम जब खत्म हुई तो एसटीएम के बाद एक व्यक्ति मेरे टीम से वहां पैसा ट्रांसफर कर रहा था, तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, तो बोले अगली एसटीएम का पैसा दे रहा हूं। बोले दिमाग ठीक है? मैंने कहा मुंबई उत्तराखंड समझ में आ रही है बात तुम्हें? बोलते नहीं मैं तो आऊंगा 25 को लेके आऊंगा। मैंने कहा तू आना, मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा दो बच्चे लेके यहाँ नहीं आ सकती मैं बार बार, ये नजदीक नहीं है और दो दो बच्चे मीन्स 3 टिकटें कटती हैं, 3 ट्रैवलिंग ये वो। ऐसे करके पहली एसटीएम 4, दूसरी एसटीएम 25, तीसरी एसटीएम में 55, चौथी में मजाक में 20 आदमी हम चले आए, तू जा रहा है चल मैं भी आती हूँ। 5वीं एसटीएम 110, ऐसे करके 7 एसटीएम, 1 बूट कैंप 1.5 साल के अंदर अटेंड करी और ये दिमाग को ना खोल के धो के एकदम रंगीन बना दिया। उसके बाद मैं
जो मेरे अंदर अननोन का डर था ना, वो इतना बड़ा था कि सीढ़ी पे चढ़ के खड़े नहीं रह सकती थी, नीचे देख नहीं सकती थी। आज जिपलाइन विपलाइन सब बिंदास करती हूँ और पैर बोलते ना स्काई डाइविंग के वीडियो देखने लग गई हूँ। ये चेंज मेरे अंदर आया। मेरे बच्चों को मैंने फट्टू डरपोक बना के रखा हुआ था, वो बच्चों को मैंने आजाद किया। आज मेरे बच्चे भी जिपलाइन फ्री फॉल सब कुछ करने लगे हैं, जिंदगी बदलने लगी। एसटीएम आने के बाद मेरे डर खत्म हुए, वापस मैंने बोलते ना एक नए उत्साह के साथ काम करना शुरू किया, चीजें बदलने लगी। पैसा था बट पैसे से इंपॉर्टेंट था खुल के जीना, वो खुल के जीने का काम वापस से शुरू किया। फ्रेंड्स, मैं अगर एक लाइन में आपको बता दूं तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मुंबई की चलती लोकल पकड़ के दिखाती थी और लड़कों से शर्त लगाती थी, चल तू पकड़ता है कि मैं पकड़ती हूँ, तू पहुंचेगा ना अगले स्टेशन पे तो तू मुझे डेरी मिल्क देना और मैं पहुंचूंगी ना तो तू मुझे दो देना। ऐसे करके मैं शर्तें लगाने वाली लड़की और मैं डर के जीने लगी थी। एसटीएम ने वापस मुझे खुल के जीना सिखाया, एसटीएम ने मुझे रीडिस्कवर किया। अब फ्रेंड्स आपको बताऊं, जिंदगी में वैगन आर टू मर्सिडीज ये नहीं, पैसा ये भी तो ठीक है कहीं और से भी शायद कमा लेते, बट पर्सनालिटी, पब्लिक स्पीकिंग, यूट्यूब, पहले ना घर में लोग नहीं सुनते थे, अब हर मोबाइल में लोग सुनते हैं। जिंदगी में परिवर्तन आया, दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। क्यों करना है वेस्टीज? क्योंकि अगर आपको पैसा, शौहरत, इन सब के अलावा भी कुछ चाहिए तो वो एकमात्र जगह है, वो है वेस्टीज, जहाँ ये सब कुछ मिलेगा। और आप ब्लेस्ड हैं कि आप वी टीम्स का हिस्सा है, वहाँ और भी खुशियाँ आपको मिलेंगी।